मैनेज द साउथ चाइना सी, और मेरे को आज एक सर बोल रहे थे कि द साउथ चाइना सी विल नेवर बी साइलेंट एंड आई कैन एक्सपीरियंस इट टू। भाई बहुत वॉयलेंट सी है। Like, let me show you. You see the swells? कितने ऊंचे हैं? So, why that's the update from Singapore. हम अभी पहुंच चुके हैं अपनी चाइना सी में and we are proceeding for our voyage. और वही चल रही है जिंदगी। So basically ये वाला सेक्शन अगर तुम लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो। दिस वन इज़ फॉर दोस्त जो हैवी वेदर देखना चाहते हैं। तो ये एक मिनट जितना बस हैवी वेदर का एक हाइपर टाइम लैप्स होगा। दिस वन इज़ फॉर शोइंग हाउ मच रोलिंग इट वॉज एट दैट टाइम। तो तुम देख सकते हो जैसे ज़मीन आसमान भाई ऊपर नीचे हो रहा था पूरा। एंड नाउ विल बी द टाइम लैप्स, तो उसे देखो, इन्जॉय करो और चाहिए तो स्किप करो। I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. For you. हर सुनामी के बाद लहरें शांत होती है। आई नो बकवास था। सो आफ्टर फेसिंग अ वेरी हैवी वेदर एंड अ वेरी वॉयलेंट साउथ चाइना सी, वी वर फाइनली क्रॉसिंग थ्रू फिलीपींस। देयर वी सॉ दीस काइंड ऑफ बोट्स एंड ऑल्सो अ फ्यू फिशरमैन जो भाई हमारे शिप के पास तक आ जा रहे थे जस्ट फॉर सेलिंग देयर फिशेस। एज यू कैन सी हेयर, भाई वो आके इसने इतने क्यूट तरीके से ऐसे इसका फिश ऊपर किया था एंड माई चीफ वाज लाइक नहीं, वी डोंट नीड फिश, जस्ट गेट अवे फ्रॉम आवर शिप। एज यू कैन सी वो हमारे स्टर्न के कितना क्लोज थे और मैं आखिरी बार अपने लंबे जुल्फों को लहरा रहा था। सो इट्स अ लॉट ऑफ हेयर फॉल ऑन बोर्ड, सो आई हैव डिसाइडेड टू टकलाफाय। तो टकला हो जाता है भाई, चलो दिल पे पत्थर रख के टकला होने जा रहे हैं हम। नहीं एक्चुअली मैं इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे हो नहीं पाएगा, मेरे बाल लंबे हैं। लाइक अच्छे से अगर कटवट मिल जाता तो ठीक है, बट दीज आर टर्निंग है, बहुत ख़राब हालत हो चुकी है बालों की, तो टकलाफाय होना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट विद इट, लेट्स डू इट। A few moments later. Temperature is gonna drop now. भाई बहुत फटने वाली है, बहुत बहुत ही ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। ठंडी इतनी हो चुकी है दैट आई हैव टू रिमूव दिस थर्मल बॉयलर। जाना है अभी डेक पर, एक काम है, एक ने भी बहुत काम है, पोर्ट अराइवल होने वाला है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्टफ्स गोइंग ऑन। बहुत ठंडी है, इट्स नाउ 4 degrees फाइनली, और हाथ वाथ सब जम जाते हैं एंड दिस थर्मल बॉयलर इज़ रियली नेसेसरी राइट नाउ। तो चलिए भाई पहनते हैं, लेकिन उसके पहले आई विल बी वेयरिंग दैट वो जो इनर नहीं रहते हैं थर्मल वाले वो, देन उसके बाद एक लेयर ऑफ शर्ट, एक लेयर ऑफ बॉयलर और उसके ऊपर ये थर्मल, क्योंकि इट्स रियली हॉट आउटसाइड, इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड। चल भाई पहनते हैं, पुट द थर्मल बॉयलर ऑन। चल भाई जाते हैं अब ठंडी में, जाके काम वाम करते हैं। दिस इज आइडल कंडीशन, लाइक ठीक है चलो चलेगा, बट जब होल्ड क्लीनिंग होगी ना, जब सब कुछ गीला होगा, तब इट्स गोना बी रियली हार्ड। चलो अब चोर बनते हैं।
लेट्स गो। वैसे मानना पड़ेगा इट्स हेल इफेक्टिव, हाँ पता ही नहीं चल रहा कि ठंडा है। ऐसे ग्लव्स भी बनने चाहिए थे, माय हैंड्स आर फ्रीजिंग राइट नाउ। देख रहे हो ठंड के कारण पूरा अब यहाँ पे ये ओस की बूंद यानी पूरा भीग चुका है। एक्चुअली मैं अब इससे और कम गया ना तो अब डायरेक्ट बर्फ ही जमेगी भाई। सो बेसिकली हमें एक रबर पैकिंग ढूंढनी है, इसलिए मैं फॉक्स स्टोर में आया हूँ और इसके मेजरमेंट्स लेने हैं। आई फाउंड इट फाइनली। मैं डर रहा था भाई मेरे को मिलेगा नहीं, आई फाउंड इट। ये फायदा होता है इन्वेंट्री लेने का, यू फाइंड द थिंग्स रियल क्विक। इट इज़ बेसिकली द मैन होल का कवरिंग रबर पैकिंग से लेकर जाते हैं, इसका मेजरमेंट लेंगे। दिस इज़ द बिग वन, एक छोटे वाले का भी चाहिए तो उसको लेते हैं फट से और जाते हैं। बहुत ठंडी है। Here we are in China. भाई देखो बात ऐसी है, ठंडी तो बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ में सब जम चुके हैं। हम लोग बोले कि ग्लव्स क्यों नहीं पहने, पहन नहीं पाया हूँ। जा रहे हैं स्टेशन के लिए, जाके इसको शिप को मेटाज करेंगे फिर देखते हैं चीज़ें। चलो 4 डिग्री सेल्सियस, 4। One eternity later. Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. बचपन में सिम सिटी बिल्डिंग खेलता था, मैं को चाहना है कि टोटली वो वाली बिल्डिंग आई भाई, पूरा सिम सिटी बिल्डिंग जैसा लगता है। इसमें बिल्डिंग्स बनाने में टाइम ही नहीं लगता है। दिस डिस्चार्जिंग भाई, हम आए एंड फटफट लाइक कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, हम कल आए और आज इट्स गोना कंप्लीट। दोपहर में एक दो होल्ड सब तक कंप्लीट भी हो चुका है। इस होल्ड की क्या हालत है देखते, देखो पेलोडर चल रहा है अंदर, मतलब ख़त्म है भाई, पूरा खत्म है। बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी है, एडवांस है बहुत। कंपटीशन की बात सही है बट वी मस्ट आल्सो लर्न फ्रॉम देम लाइक। आई जस्ट सॉ दिस राइट मूवी। यहाँ पे मैं आया ना, इनके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स भी बहुत मस्त है। चलो देन द डे हैज़ बिगिन। एक बहुत ठंड भरे मौसम के बीच इट्स 2 डिग्री राइट नाउ। चलो चलते हैं, काम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। सो टिल नाउ फॉर 5 hatches देयर वर 5 cranes, 1, 2, 3, 4th एंड कहाँ गया भाई पांचवा? ओह सॉरी आई मिस दैट। इसके आगे तुम्हें एक दिख रहा होगा, दैट वन इज 1, दिस इज 2nd, सबसे आगे दिस वन इज 3rd, ये जो अभी जा रहा है दिस इज 4th एंड दिस वन इज 5th। तो अब तक प्लान ऐसा था कि फॉर फाइव हैचेस देयर वर गोना बी 5 cranes, और क्योंकि अब हैचेस खत्म हो गए हैं सो नाउ एक क्रेन। और ये आउटर में ऑपरेट हो रहा है क्या? फ्रॉम वन होल्ड देयर आर 2 cranes डिस्चार्जिंग राइट नाउ। देखो ये एक अभी आ रहा है और इधर से एक निकलेगा। एंड
ये वाला आया होल्ड से बाहर, कटोरे के जैसा शेप है भाई। मैंने अभी तक 5 महीने में ऐसा फर्स्ट क्रेन देखा है। और ये जो पनल जैसा है सामने, इसके ट्रक्स खड़े होते हैं एंड देन उसके ऊपर लोडिंग की जाती है। सो दैट्स हाउ द स्पीड इज इन चाइना। भाई रुके ही नहीं है लोग, लिटरली बिल्कुल नहीं रुके। ठंड बहुत है, मैंने ट्रिपल लेयर पहन रखा है अपने कान के अराउंड क्योंकि मेरा सर दुखने लग गया था। वही दिन डिस्चार्जिंग चालू है। चलो मिलते हैं तुमसे। One eternity later. और एक दिन में चाइना को बाय बाय भी कर दिया। सो ठंड इतनी थी कि यार कंपनी गिफ्टेड ईच क्रू मेंबर विद दिस हीटर। टेम्परेचर देखो माइनस में जा चुका है। वेरी नाइस वेरी नाइस। स्नोफॉल की कमी थी बस। I told you winter is coming. ये देखो बस इसी चीज की कमी थी भाई, इसी चीज की कमी थी। पानी बाहर रखे रखे जम गया। हालत सोचो क्या हो रही होगी, और वो भी इस चांद के साथ। भाई मैंने एक बहुत गलत टाइम पे बाल काटे, फुल एकदम अजीब पूरा टकला चमक जाता है क्योंकि ठंड लगती है। भाई ब्लॉग पसंद आया तो पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। चल भाई।